अवैध कब्जा को लेकर खबर प्रकाशन के बाद नायब तहसीलदार की दिखावे की कार्रवाई बेदखली के लिए थम गए पांव। उच्च अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री करने ग्रामीण हुए एकजुट। मामला मुंगेली तहसील के ग्राम जेठू का पका है, जहां अवैध कब्जा की शिकायत जिला प्रशासन एसडीएम तहसीलदार को बार बार किया गया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर समाचार पत्रों चैनलों के माध्यम से कई बार खबर चलाई गई। इसके बाद भी नायब तहसीलदार टेमरी मुंगेली के द्वारा जेटू कापा पहुंचकर अवैध कब्जा से बनाया गया मकान को केवल सील करने का दिखावा किया गया और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वही ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि दो दिन के अंदर में बेदखली की कार्रवाई की जाएगी, मगर 15 दिन निकल गए, अभी तक अवैध कब्जाधारी के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिला है, जिसे नायब तहसीलदार द्वारा किया गया कार्रवाई शून्य दिख रहा है, जो एक दिखावा मात्र था। इसके बाद अवैध कब्जाधारी के हौसले और बुलंद हो गया। उनके द्वारा ग्रामीणों को धमकाया चमकाया जा रहा है, जिसमें गांव में विवाद की स्थिति बन गई है। इसको अनदेखा कर बेदखली के लिए जिला प्रशासन सुस्त रवैया में नजर आ रही है। वहीं इस मामले को लेकर जिला प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर मन बना लिया है कि जिला में सुस्त रवैया से काम करने वालों की नामजद एवं लंबे समय से जमे हुए उच्च अधिकारियों की शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री को लिखित पत्र के साथ शिकायत किया जाएगा, जिसमें अवैध बेजा कब्जा के साथ साथ अन्य कई बड़े मुद्दों की भी शिकायत रहेगी। पूरे जिला भर में अनेक ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों में इनके द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश जारी कर दिया जाता है, मगर कब्जाधारी जब किसी स्थगन आदेश का अवहेलना करते हैं तो उनको दंडित करने के लिए जिला प्रशासन को सोचना पड़ता है। वही दिखावे के लिए छोटी मोटी कार्यवाही कर दी जाती है, मगर अवैध बेजा कब्जे पर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं किया जाता। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अवैध कब्जे पर कार्यवाही जोरों पर चल रही थी, तो वहीं मुंगेली जिला में अधिकारी कार्यवाही करने में नाकाम नजर आए। इसको लेकर जिला में सुस्त रवैया के चलते अधिकारियों की नामजद शिकायत सीएम तक करने की बात ग्रामीण कह रहे हैं।